हेलो सो so, इस वीडियो में हम देखेंगे सिम्युलेटेड एनीलिंग के बारे में सो सिम्युलेटेड एनीलिंग भी हिल क्लाइंबिंग का ही आप एक वेरिएशन कह सकते हो आप देखो हिल क्लाइंबिंग में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड्स डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट पॉसिबल होती है अलाउड होती है बट सिम्युलेटेड एनीलिंग क्या कहता है कि आप डाउनवर्ड्स भी आ सकते हो सो इट अलाउज डाउनवर्ड स्टेप्स ऑल्सो अब जो ऐसे यानी सिमिल अनिंग है ये एक मेटलर्जिकल प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है जिसकी डेफिनेशन क्या है इट् इट इज़ अ प्रोसेस इन मेटलर्जी वेयर मेटल्स आर स्लोली कूल टू मेक देम रीच अ स्टेट ऑफ लो एनर्जी वेयर दे आर वेरी स्ट्रांग मतलब कि मेटल को या तो जब आप हीट कर रहे होते हो उनको ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हो तो कई बार उनको एक लो हीटिंग पॉइंट पे लाया जाता है कूलिंग करके ताकि वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेट के अंदर पहुंच सके सो दैट इज़ सिम्यूलेटेड अनिलिंग सो एक बार देखते हैं कि सिम्यूलेटेड अनिलिंग और नॉर्मल हिल क्लाइंबिंग में कैसे आप डिफरेंस देख सकते हो सो सपोज़ अगर आपका कुछ इस तरह से है ठीक है अब नॉर्मल हिल क्लाइंबिंग में तो क्या होगा कि सिंपल आप नेक्स्ट स्टेट को विज़िट करोगे सो so सपोज़ आपकी नेक्स्ट स्टेट यही थी आपने इसके ऊपर विज़िट कर दिया आप चेक करते जाओगे चेक करते जाओगे और जो बेटर स्टेट है वहाँ पे आप मूव करते जाओगे सपोज ऐसे करते करते आप यहाँ पे आ गए अब ये प्रॉब्लम जो होती है कि आपने यहाँ पे आ गए यहाँ से आपने जब देखा कि ये बेकार स्टेट है तो आप यहीं पे रुक जाओगे ये सॉल्यूशन आपने दे दिया और ये कहलाती है प्रॉब्लम लोकल मैक्सिमा की और ये प्रॉब्लम सिंपल हिल क्लाइंबिंग और स्टीपेस्ट दोनों में होती हैं बट अब जो सिमिलिटी डनीलिंग है वो क्या कहता है कि आप वापस भी आ सकते हो मतलब यहाँ से वो वापस आ जाएगा सपोज इस वाली पोजीशन पे और इसको करंट मान के वो बाकी के सारी आगे की स्टेप्स को शायद स्टेट्स को फॉलो करेगा सपोज इसने फॉलो करना शुरू किया यहाँ पे देखा यहाँ पे देखा यहाँ पे देखा उसने कि अरे ये तो एक बेटर स्टेट मिल गई है तो सीधा वो यहाँ पर फिर आपको जंप करा देगा सो so ऐसे करते 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 वो यहाँ तक आ सकता है सो दैट इज़ ग्लोबल मैक्सिमा सिमुलेटेड so, एनीलिंग क्या कहता है बेसिकली अगर आप जनरल टर्म्स में भी बात करो कि दो कदम पीछे लेके एक लंबी छलांग मारना सो so, वो हम सिम्युलेटेड के थ्रू कर सकते हैं तो, क्लाइंबिंग में क्या है सिमुलेटेड एनीलिंग में सारे नेबर्स चेक होते हैं सो इट चेक्स ऑल द नेबर्स ठीक है सो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं सबसे पहले तो जो इसका एडवांटेज है इट इज़ इजी टू कोड इट इज इजी टू कोड फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आल्सो कोडिंग करना आसान है इसकी देन इट गिव्स गुड सॉल्यूशन then statistically guarantees to find an optimal solution. अगर statistically आप बात करते हो तो ये आपको हमेशा guarantee देगा कि वो optimal solution निकाल के देगा So statistically guarantees finding an optimal solution. ठीक है so ये तो हो गए इसके advantages. डिसडवांटेजेस क्या है स्लो प्रोसेस है क्योंकि एक बार यहां पर चला गया फिर वापिस आया फिर चेक करेगा फिर वापिस फिर चेक सो स्लो प्रोसेस होता है सोल्यूशन इज फाउंड बताया नहीं पाएगा कि ऑप्टीमल मिल गया सो कान टेल वेदर एंड ऑप्टीमल सोल्यूशन इज फाउंड मतलब कि अपने आप से नहीं बता सकता सो so, ये चेक करने के लिए सम अदर मेथड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड सो सम अदर मेथड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन दिस केस सो ये हो गए इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस नाउ लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन सिम्यूलेटेड अनिलिंग एंड हिल क्लाइंबिंग सो सिम्यूलेटेड अनिलिंग में क्या है एक अनिलिंग शेड्यूल मेंटेन किया जाता है सो इन दिस यू कैन राइट एन अनिलिंग शेड्यूलिंग अनिलिंग शड्यूल इज मेंटेन्ड कि किस पॉइंट पे आके आपको वापस आना है वो पूरा एक शेड्यूल होता है जबकि सिंपल हिल क्लाइंबिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता सेकंड इज मूव्स टू वर्स स्टेट मे बी एक्सेप्टेड और इज एक्सेप्टेड सो मूव्स टू वर्स्ट स्टेट्स मे बी एक्सेप्टेड ठीक है जबकि इसमें ऐसा नहीं कर सकते आप वर्स स्टेट के अंदर मूव को एक्सेप्ट एकस, एकस, नहीं कर सकते जैसे कि यहां से हम पीछे आए ये वर्ष है तो बट सिमुलेटेड एनिंग में ये एक्सेप्टेड होगा देन थर्ड सो इट इज अ गुड आइडिया टू मेंटेन इन एडिशन टू द करंट स्टेट द बेस्ट स्टेट फाउंड फार सो so, इसमें हम बेड स्टेट फाउंड सोफार को भी मेंटेन करके चलते हैं सो बेड स्टेट फाउंड सोफार इज आल्सो मेंटेन्ड जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं किया जाता सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ सिम्युलेटेड हिल क्लाइंबिंग सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो सॉरी सिम्युलेटेड अनिलिंग सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच टूटोरियल थैंक यू